सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, हमारा यह गुरु पूर्णिमा विशेष पर एक स्पेशल सीरीज है और इसका ये पहला एपिसोड है जिसमें हम लोहिच्य सूक्त के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तथागत बुद्ध ने लोहिच्य सूक्त में गुरु की महत्ता, गुरु की विशेषता, किन प्रकार के गुरुओं के ऊपर दोषारोपण किया जाता है, किन प्रकार के गुरुओं पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता है, श्रेष्ठ गुरु कौन से है, ये सारी बातें, ये सारा प्रवचन लोहिच्य सूक्त में तथागत बुद्ध ने बताया है। अब जो लोहिच्य सूक्त है, यह बौद्ध साहित्य का ही एक भाग है। तो वो कैसे है, तो आप ये जानते हैं कि बौद्ध धम्म में जो, या बौद्ध धम्म का जो साहित्य है, उसका सबसे महत्वपूर्ण साहित्य है त्रिपिटक। त्रिपिटक ये तीन पिटक से मिलकर बना है। पहला पिटक है अभिधम्म पिटक, दूसरा पिटक है सुत्त पिटक और तीसरा पिटक है विनय पिटक। तो सुत्त पिटक में अलग अलग निकाय है। तो सुत्त पिटक के दिग निकाय के 12वां सूत्र है लोहिच्य सूत्र। तो उस लोहिच्य सूत्र में तथागत बुद्ध ने ये सारा गुरु के बारे में, गुरु के संदर्भ में ये सारा प्रवचन दिया है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि तथागत बुद्ध ने जितने प्रवचन दिए, उसके पीछे कोई ना कोई प्रसंग रहा है, कोई ना कोई उसके पीछे घटना रही है। चूंकि तथागत बुद्ध प्रतिदिन एक गांव से दूसरे गांव में भ्रमण करते थे और उस गांव में वहां के लोगों के अनुसार, वहां की परिस्थिति के अनुसार, लोगों की मानसिकता के अनुसार वो अपने प्रवचन करते थे। इस कारण तथागत बुद्ध ने जितने भी प्रवचन दिए या जानकारी दी है, उसके पीछे कोई ना कोई घटनाक्रम या कोई ना कोई प्रसंग जुड़ा हुआ है। तो ये कहानी के रूप में लगता है, लेकिन ये एक वास्तविक घटना से जुड़ी हुई बात होती है और वो प्रसंग जब घटता है, उस प्रसंग के संदर्भ में ही फिर प्रवचन या विचार, नए नए विचार, नए नए सिद्धांत प्रकट होते हैं। तो चलिए, हम लोहिच्य सूक्त के पीछे क्या घटनाक्रम था, क्या प्रसंग था, उसको जानने का प्रयास करते हैं। एक बार तथागत बुद्ध अपने 500 भिक्षुओं के साथ कौशल जनपद की यात्रा पर थे। अपनी यात्रा के दौरान वे साल वाटिका मतलब साल के वृक्षों से घिरा हुआ गांव, तो उस साल वाटिका गांव में पहुंचे। यह जो गांव था, यह जीवन की हलचल से गुंजित स्थल था। यहाँ पर खेती के लिए पर्याप्त जमीन थी, वन भूमि भी थी, अनाज भी था। इस सालवाटिका गांव में लोहिच्य नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो उस गांव में सुस्थापित था। सुस्थापित का मतलब कि वो पैसों से, आर्थिक स्थिति से और धन धान्य से संपन्न था। तो कौशल नरेश प्रसेनजीत ने लोहिच्य ब्राह्मण को यह गांव उपहार में दिया था। तब से वह ब्राह्मण वहां ऐसे रहता था जैसे वह इस गांव का राजा हो। तो लोहिच्य ब्राह्मण के मन में एक घटिया विचार बैठ गया था कि यदि कोई ब्राह्मण या कोई श्रमण जानकार हो जाए या विद्वान हो जाए, तो उसने अपनी विद्वत्ता और जानकारी किसी अन्य को नहीं बताना चाहिए। ऐसा करने से वह पुराने बंधन को तोड़कर नए बंधन में फंस जाता है। तो ये लोहिच्य ब्राह्मण के मन में यह घटिया विचार पनपा। अब उस ब्राह्मण ने सुना कि शाक्य कुल के श्रमण गौतम, जिन्होंने सन्यासी जीवन अंगीकार कर लिया है, वे अपने संघ के बहुत से भिक्षुओं के साथ कौशल जिलों की यात्रा करते हुए साल वाटिका पहुंच गए हैं। आगे वो लोहिच्य ब्राह्मण सोचता है कि श्रवण गौतम की ख्याति इतनी है कि विदेश में भी उनकी चर्चा होती है। वे अर्हत है, पूर्ण प्रबुद्ध है, विवेक और सौजन्य से परिपूर्ण है, मार्गदर्शन के लिए इच्छुक लोगों के लिए पथ प्रदर्शक है। वे संपूर्ण सृष्टि को पूर्ण रूप से इस तरह जानते और देखते है कि मानो वह उनके सामने हो और उस संपूर्ण सृष्टि को जानने के बाद वह अपने ज्ञान की जानकारी दूसरों को कराते हैं। वे सत्य की उद्घोषणा करते हैं। इस प्रकार के अरहत का दर्शन करना
अच्छा होगा। तब लोहित ब्राह्मण भैषिक नाई को अपने पास बुलाता है और भैषिक नाई से कहता है कि भैषिक वहां जाओ जहां श्रमण गौतम ठहरे हुए हैं, और वहां जाकर मेरे नाम से उनसे पूछना कि क्या वे सुविधाजनक स्थिति में है, मतलब सारा सकुशल है, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है, और इस प्रकार कहना कि क्या श्रद्धेय गौतम अपने संघ के भिक्षुओं सहित कल का भोजन लोहित ब्राह्मण से ग्रहण करना स्वीकार करेंगे। भैषिक नाई ने लोहित्य के शब्दों का पालन करते हुए कहा कि बहुत अच्छा श्रीमान, और उससे जैसा कहा गया उसने वैसा ही किया। तब तथागत बुद्ध ने मौन रहकर उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। और जब भैषिक नाई ने देखा कि तथागत बुद्ध ने सहमति दे दी है, तब वह अपने स्थान से उठा और अपना दाया हाथ तथागत की ओर करते हुए वहां से चला गया, और लोहित ब्राह्मण के पास पहुंचकर उसने कहा कि श्रीमान, आपके आदेशानुसार मैंने तथागत बुद्ध को संबोधित किया और तथागत बुद्ध ने आने की सहमति दे दी है। तब दूसरे दिन सुबह लोहित ब्राह्मण ने अपने निवास स्थान पर, अपने घर पर, अच्छा पुष्ट और नरम दोनों ही प्रकार का स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाया और भैषिक नाई से कहा कि भैषिक वहां जाओ जहां श्रमण गौतम ठहरे हुए हैं, और वहां पहुंचकर यह कहना कि हे गौतम, समय हो गया है और भोजन भी तैयार है। भैषिक नाई ने वैसा ही किया। तब तथागत बुद्ध, जो कि सुबह ही तैयार हो गए थे, उन्होंने अपना पात्र लिया और संघ के भिक्षुओं के साथ साल वाटिका की ओर चल पड़े। अब तथागत बुद्ध जो ही चले, भैषिक नाई भी उनके पीछे पीछे चलने लगा, और चलते चलते उसने तथागत बुद्ध से कहा कि लोहित ब्राह्मण के दिमाग में एक घटिया विचार घर कर गया है। वह सोचता है कि यदि कोई श्रमण या ब्राह्मण जानकार और विद्वान हो जाता है तो उसने अपना ज्ञान दूसरों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कोई मनुष्य दूसरों के लिए कर ही क्या सकता है। ऐसा करने से वह पुराने बंधनों को तोड़कर स्वयं को नए बंधनों में फंसा लेता है। तथागत बुद्ध ने भैषिक की बात मौन पूर्वक सुनी। अब तथागत बुद्ध और उनका भिक्षु संघ लोहित ब्राह्मण के निवास स्थान पर पहुंचा। तथागत बुद्ध अपने लिए नियत स्थान पर बैठे, लोहित ब्राह्मण ने अपने हाथों से पुष्ट व नरम दोनों ही प्रकार का भोजन तब तक परोसा जब तक कि उन्होंने और ग्रहण करने से इनकार नहीं कर दिया। जब तथागत बुद्ध ने भोजन ग्रहण कर लिया तो उन्होंने अपना पात्र धोया और हस्त प्रक्षालन किया और अपने स्थान पर आकर बैठ गए। लोहित ब्राह्मण भी तथागत बुद्ध के सामने नीचे के स्थान पर बैठ गया। उसके इस प्रकार बैठ जाने पर तथागत बुद्ध ने लोहित ब्राह्मण से कहा कि हे लोहित, लोग जो तुम्हारे बारे में कहते हैं, क्या वह सच है कि तुम्हारे दिमाग में एक कुत्सित विचार बैठ गया है कि यदि कोई श्रमण या ब्राह्मण जो जानकार या विद्वान हो जाए तो उसने अपना ज्ञान दूसरों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कोई मनुष्य दूसरों के लिए कर ही क्या सकता है। ऐसा करने से वह पुराने बंधनों को तोड़कर स्वयं को नए बंधनों में फंसा लेता है। तब लोहित ने कहा कि हाँ तथागत, ऐसा ही है। तब तथागत ने कहा, तुम क्या सोचते हो लोहित, क्या तुम साल वाटिका में सुस्थापित नहीं हो? तो लोहित ने कहा, हाँ तथागत, मैं सुस्थापित हूँ। तब तथागत ने कहा कि तब लोहित, मान लो कोई व्यक्ति यह कहे कि साल वाटिका में लोहित ब्राह्मण का राज है, उसे अकेले ही साल वाटिका के संपूर्ण राजस्व और उत्पाद का उपभोग करने दो, किसी और को कुछ भी न मिले, ऐसी बात करने वाला व्यक्ति खतरनाक होगा या नहीं? क्योंकि वह उन लोगों को कष्ट पहुंचाएगा जो तुम्हारे अधीन जीवन यापन करते हैं।
लोहित हाँ तथागत वह खतरनाक होगा। तथागत बुद्ध, और क्या वह व्यक्ति उनकी भलाई के लिए सहानुभूति रखता होगा या नहीं रखता होगा? लोहित कहता है वह उनकी भलाई के बारे में नहीं सोचेगा तथागत। तथागत कहते हैं और उनकी भलाई की बात न सोचते हुए क्या उसका मन उन लोगों के लिए प्रेम की भावना रखेगा या शत्रुता की भावना रखेगा? तब लोहित कहता है कि वो तो शत्रुता की भावना रखेगा। तब तथागत बुद्ध कहते हैं अब यदि उसके ऐसा कहने से शत्रुता पैदा होती है तो उसका ऐसा कहना या उसका यह सिद्धांत कि साल वाटिका का सब कुछ लोहित ब्राह्मण का है, यह सिद्धांत सही है या गलत है? तो लोहित कहता है यह तो गलत सिद्धांत है। तब तथागत कहते हैं कि अब लोहित यदि कोई मनुष्य गलत सिद्धांत को मानने वाला है तो मैं घोषणा करता हूं कि उसकी नियति यही होगी कि वह पाप का भागीदार होगा या पशु के समान होगा। तब तथागत बुद्ध ने लोहित को आगे समझाते हुए कहा कि अब इस बात पर तुम क्या सोचते हो लोहित, कि क्या कौशल नरेश प्रसेनजीत के अधिकार में काशी और कौशल नहीं है? तब लोहित कहता है कि हाँ गौतम है। तब तथागत कहते हैं तो मान लो लोहित की कोई कहे कि कौशल नरेश प्रसेनजीत के अधिकार में काशी और कौशल है तो उसे काशी और कौशल के संपूर्ण राजस्व और उत्पाद का उपभोग करने दो, अन्य किसी को कुछ न मिले, ऐसी बात करने वाला व्यक्ति खतरनाक होगा या नहीं? क्योंकि उसने कौशल नरेश प्रसेनजीत के अधीन जीवन यापन करने वाले मनुष्यों को, तुम्हें और अन्य लोगों को छोड़ दिया है। तब लोहित कहता है हाँ तथागत वह तो खतरनाक होगा। तब तथागत कहते हैं कि वह व्यक्ति अन्य लोगों की भलाई के बारे में सोचेगा या नहीं? तब लोहित कहता है कि नहीं तथागत वह लोगों की भलाई के बारे में नहीं सोचेगा। तब तथागत कहते हैं जब वह व्यक्ति किसी की भलाई के बारे में सोचेगा ही नहीं तो लोगों के मन में उसके प्रति शत्रुता पैदा होगी या प्रेम पैदा होगा? तब लोहित कहता है कि उसके प्रति तो शत्रुता ही पैदा होगी। तब तथागत कहते हैं कि तब उसका यह सिद्धांत जिससे शत्रुता पैदा होती है वह सही है या गलत है? तो लोहित कहता है कि वह सिद्धांत तो गलत कहा जाएगा। तब तथागत कहते हैं कि अब लोहित कोई मनुष्य गलत सिद्धांत को मानने वाला है तो मैं घोषणा करता हूं कि उसकी नियति यह होगी कि वह पाप का भागीदार होगा या पशु के समान अपना जीवन जिएगा। तो लोहित कहता है कि हाँ तथागत आप ठीक कहते हैं। तब तथागत बुद्ध लोहित को समझाते हुए कहते हैं कि ठीक ऐसे ही लोहित जो ये कहता है कि यदि किसी श्रमण या ब्राह्मण को जानकारी हो गई, वो विद्वान हो गया, तो उसने अपना ज्ञान दूसरों को नहीं बताना चाहिए क्योंकि वह दूसरों के लिए कर ही क्या सकता है, इससे तो वह एक पुराने बंधन को तोड़कर स्वयं नए बंधन में फंस जाता है। जो इस प्रकार की बात करता है वह व्यक्ति उन लोगों के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करेगा जो व्यक्ति अर्हत होना चाहता है या जिसके मन में ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा है। जो इस प्रकार की बात करता है वह उन लोगों के प्रति भलाई या सहानुभूति नहीं रखता है जिससे उसका मन शत्रुता से भर जाता है। जो इस प्रकार की बात करता है उसके इस सिद्धांत के कारण यदि शत्रुता पैदा होती है तो उसका यह सिद्धांत पूर्णतः गलत साबित होता है। तब लोहित ने कहा कि आप ठीक कहते हैं तथागत। अब साथियों यहाँ तक का जो कन्वर्जेशन है जो कि तथागत बुद्ध और लोहित ब्राह्मण के बीच में हुआ, ये कन्वर्जेशन गुरु की महत्ता को या गुरु के बारे में बताने की पार्श्वभूमि है। क्योंकि सबसे पहला प्रश्न तो यही खड़ा होता है कि दूसरों को ज्ञान या जानकारी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए।
अगर हमारे पास किसी बात की जानकारी है, ज्ञान है, उसका अध्ययन है, तो हमने वो दूसरों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही खड़ा होता है। और जहां तक लोहित्य ब्राह्मण जो ये प्रचार कर रहा था, उसके मन में घटिया विचार आ गया था कि यदि कोई व्यक्ति जानकार हो जाता है, विद्वान हो जाता है, तो उसने दूसरों को ये ज्ञान नहीं बताना चाहिए, दूसरों को जानकारी नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक एक व्यक्ति दूसरे के लिए कर ही क्या सकता है, यानी जानकारी क्यों नहीं देना चाहिए कि मैं आखिर दूसरों के लिए कर ही क्या सकता हूं, इसलिए मैंने जानकारी नहीं देना चाहिए। इससे आपको कहीं कहीं इस बात की भी बू आ रही होगी कि ब्राह्मण समाज में इस विचार का प्रचार कर रहे थे कि दूसरों को शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए लोहित्य ब्राह्मण या उस समय के जो ब्राह्मण होंगे इस बात का प्रचार कर रहे थे। ये इस लोहित्य सूत्र से एक और बात हमें सीखने को मिलती है कि ब्राह्मण आखिर उस बात को उसी समय से, ऐसा नहीं कि मनुस्मृति लागू हुई तब उन्होंने शिक्षा के अधिकार से वंचित किया, उस समय भी वो ब्राह्मण जो है इस फिराक में ही थे कि इनको शिक्षा यानी आम जनता को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। लोहित्य सूत्र से एक और बात हमको सीखने को मिलती है। तो अब दोनों के बीच में, बुद्ध और लोहित्य ब्राह्मण के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, तो ये उसकी पार्श्वभूमि है कि अगर हमारे पास किसी चीज की विद्वत्ता है, जानकारी है, ज्ञान है, तो हमने उसे दूसरों को देना चाहिए। ये तथागत बुद्ध लोहित्य ब्राह्मण को समझा रहे हैं और उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर गांव का अगर सारा कुछ अगर अकेले लोहित्य ब्राह्मण का हो जाए तो फिर गांव में रहने वाले जो अन्य लोग हैं वो अन्य लोग तो उन्हें तो कुछ नहीं मिलेगा, सारा कुछ तो लोहित्य ब्राह्मण का हो जाएगा। इससे क्या होगा? इससे आम जनता और जो व्यक्ति सारा राजस्व अपने पास रख रहा है उसके बीच में शत्रुता पैदा हो जाएगी। अब ऐसा कोई कार्य जिससे कि आम जनता और व्यक्ति के बीच में या उन लोगों के बीच में शत्रुता पैदा हो जाए तो वो सिद्धांत गलत साबित होगा और ऐसे सिद्धांत को मानने वाला व्यक्ति जानवर के समान है, ऐसा तथागत बुद्ध अपने प्रवचन में कहते हैं। तो ये गुरु की पार्श्वभूमि है। अब जब ये बात हो गई कि ज्ञान देना चाहिए, जब बुद्ध ने साबित कर दिया ज्ञान देना चाहिए, तो ज्ञान देने वाला गुरु कहलाएगा। तो अब गुरु कितने प्रकार के होते हैं या गुरु कौन कौन से होते हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक तथागत बुद्ध लोहित्य को समझा रहे हैं। तो इस वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो हम इस टॉपिक को कि गुरु के बारे में, एक गुरु के बारे में तथागत बुद्ध लोहित्य सूत्र में क्या प्रवचन करते हैं, क्या बताते हैं, इसे हम नेक्स्ट एपिसोड में समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मुल्य।